सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। मधुबनी में विधानसभा विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार में आए दिन हत्याएं, डकैती, चोरी, लूट, महिलाओं के साथ बदसलूकी चरम से बाहर हो चुकी है। यह सरकार इन लोगों पर लगाम लगाने में विफल हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महामंत्र दिया है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जरा उनसे पूछिए जी, जो हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति बनाया, वो भ्रष्टाचारियों के गोद में किसने बैठा, उसके साथ गलबहियां किसने किया और सरकार में भागीदारी किसने किया, इसकी जवाब वो दें। जयप्रकाश नारायण जी भ्रष्टाचारी, तानाशाही, हिटलर शाही कांग्रेस के विरुद्ध में आंदोलन शुरू किए थे और जेपी सेनानी नाम दिया गया। लोग लड़ाई लड़ा, हर समाज के लोग अपना बलिदान दिया, लहू बहा, उसके नाम पर बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार जी पेंशन भी ले रहे हैं। क्या नैतिक अधिकार है वो पेंशन बंद हो, जब कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। मुजफ्फरपुर में सेना भर्ती कार्यालय में अग्निवीरों का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में अग्निवीरों में उत्साह देखने को मिला। इसके साथ ही निदेशक ने सेना भर्ती कार्यालय में अग्निवीरों को जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी और कहा कि सेना में अपनी मेहनत से प्रमोशन के बहुत अवसर मिलेंगे और साथ ही दलालों से सावधान रहने की अपील की है। सुपौल में दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है, जहां पिकअप वैन कर्मी से अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाश करीब 60,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। ब्लैक कलर का 125 cc का पल्सर था। तुम लोगों को रोका बीच में? क्या बीच में रोका? बोला कि हम माल लेंगे, माल देने के बहाने वो गोली सटा दिया, पेट में कुछ बोलेगा तो हम मार देंगे सीधा जान से। आदमी को पहचानते हो? कौन सा जगह पहचानते हैं? कौन सा जगह घटना हुआ? यहीं पे घटना हुआ। कौन सा जगह? यहाँ की जगह है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां विधानसभा जेडीयू नेता अशोक सिंह ने जेडीयू का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामा। ये ऐलान उन्होंने अपने आवास पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर निर्णय लिया। आपको बता दें कि अशोक सिंह गायघाट विधानसभा सीट से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, साथ ही पार्टी के सिंबल से मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन 2024 चुनाव के आगाज से पहले भाजपा का दामन थामना कहीं ना कहीं गायघाट में जेडीयू कमजोर और भाजपा की मजबूत स्थिति में जाने की संभावना है। जितने यहाँ पर कार्यकर्ता आपको दिखा है, वो मूल रूप से सभी भारतीय जनता पार्टी के कोर वर्कर रहे थे। 2005 में जनता दल यू का सीट होने पर भाजपा नेतृत्व के ही सुझाव पर मैंने जनता दल यू से जॉर्ज फर्नांडिस साहब के कहने पर यहाँ से चुनाव लड़ा और बहुत कम मतों से मैं यहाँ से चुनाव हार गया। उसके बाद से लगातार मैं जनता दल यू में रहा, लेकिन विगत दिनों जो मुख्यमंत्री जी ने बिहार के जनादेश का अपमान करते हुए इन्होंने जो राजद से जाके अपना गठबंधन बनाया, इसके लिए पूरे बिहार की जनता और जो कोर वर्कर हैं वो ठगा अपने को महसूस करने लगे।
भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे भारत में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में सहरसा में एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर इम्तियाज अंजुम ने कहा कि युवा नेता राहुल गांधी के निर्देश पर भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक करने के बाद प्रत्येक पंचायत के हर एक गांव तक लोगों को जागरूक करना है। यात्रा के तहत हम लोगों की मीटिंग बुलाई गई है और वर्तमान सरकार मोदी सरकार जो नफरत फैला रही है उसको हम लोग जड़ से खत्म करने के लिए आज हम लोग संकल्प लिए। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने जो आयोजित की है उसी को आगे बढ़ाने के क्रम में उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आज यहाँ ब्लॉक लेवल की एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें जिला से आए हुए हमारे प्रभारी श्री रामसागर पांडे जी उपस्थित थे। उनके निर्देश में जो प्रदेश से हम लोगों को दिशा निर्देश दिए गए थे वो उन्होंने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। सिमरी बख्तियारपुर में हाथ से हाथ जोड़ो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के निर्देश पर आज यहां शुरू किया गया है और हम आम जनता के बीच में जाकर बीजेपी जो नफरत फैला रही है उसको मिटाएंगे, बाजार खोलेंगे और सबको मिलकर गला में गला मिलकर कांग्रेस को मजबूत करें। सहरसा में भक्तियारपुर मंदिर परिसर में 3 दिवसीय राजकीय बाबा मटेश्वर धाम महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस महोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विधायक के एमएलसी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव कार्यक्रम में कई कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया। पिछले साल भी महोत्सव हुआ था, इस बार भी महोत्सव है। सारा कार्यक्रम जिला पदाधिकारी के देख रेख नेतृत्व में सरकारी कार्यक्रम है और बाबा की कृपा तो असीम है और मटेश्वर धाम को यहाँ अपराधियों के हौसले कुछ इस कदर बुलंद हैं कि अपराधियों को अब पुलिस का खौफ नहीं रहा। और एक ऐसा ही मामला आया है सुपौल से, जहां अज्ञात अपराधियों ने जनरल स्टोर संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली चलने की आवाज से मौके पर पहुंचे परिजनों ने गंभीर रूप से जख्मी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने गंभीर को मृत घोषित कर दिया। अब की बोले नहीं भले सर, हम कुछ नहीं दखली, हम रोटी बन में तरी है आ कुर्सी पर बैठ के वहाँ खाते रहेंगे। बोलिए क्या खाना खा रहे थे? रोटी सब्जी छबे कर थारी में छे देख लियो। आ बस वन से अल गाड़ी से आ बस आवाज़ खाली सुनिए तो हम बोले की आवाज भले आकाश की अजय की भले आवाज आबते छे हम बोलते छी आ एक बार के कर लकै ग आ ततबे में देखे छे हम दुकान में नहीं छे तब हम तकलिए देखलियो तो घोलटक छे। देखे थे कितने लोग थे तो बाद में आवे गेले सबटा और अभी सदर हॉस्पिटल में है। मामला जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि कुछ पहले जो है एक प्रेम प्रसंग का उनकी पत्नी से मामला है, हालांकि अभी परिवारजन इसके बारे में अभी पूरी तरीके से बात नहीं हो पाई है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं मामला, जैसे कुछ पता चलता है तो हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है
आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कैमूर में सड़क पार कर रहे एक युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। ग्रामीणों ने घायल को आनन फानन में PHC में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार कराने के बाद बेहतर इलाज के लिए वाराणसी के ट्रामा सेंटर ले जाते वक्त युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं गुस्साए परिजनों ने हाईवे को जाम किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। माध्यम से जो भी उनको मुआवजा मिलता है उनको मुआवजा दिया जाएगा और पारिवारिक लाभ भी दिया जाएगा। कभी संतुष्टि का जो किया जाता है वो दे दिया गया है और उनको आश्वासन दिया गया है कि जो भी सरकार की तरफ से उनको रोड एक्सीडेंट में जो भी मुआवजा या जो भी लाभ दिया जाएगा इसी आश्वासन को उनके द्वारा जमा लगाएगा। अच्छा, भूमिहीन है उनको क्या जमीन भी दी जाएगी? जाँच किया जाएगा, अगर वो भूमिहीन होंगे तो उनको भूमि जमीन उपलब्ध कराएगा। कितने देर प्रतिशत घंटों का और NHI के जो पदाधिकारी है वो पदाधिकारियों की पूजा करने में लगे। हर जगह बाईपास है, जाम लगा रहता है, तो NHI का जो संवेदक है उसको हर जगह अपना हैंड खड़ा करना चाहिए और हैंड खड़ा करके देखना चाहिए क्या नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि गरीब लोगों का दुर्घटना में मौत हो रहा है। 2015 से हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक भी आदमी। भागलपुर में मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। मनरेगा योजना के नाम पर मनमानी सामने आई है। आपको बता दें कि अधिकारी और मुखिया की मिली भगत से खुलेआम JCB से कार्य कराया जा रहा था, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको देखते ही वहां के पूर्व मुखिया और ग्रामीणों ने उस JCB से हो रहे कार्यों को रुकवाया और जमकर बवाल काटा। क्या ऐसे ही मजदूरों का शोषण किया जाता रहेगा और अधिकारी मूक दर्शक बने रहेंगे? तालाब में जहां मनरेगा का काम ऑनगोइंग चल रहा है, वहां पर JCB से मशीन से खुदाई हो रही है। इस संबंध में इसकी सूचना मैंने BDO साहब कहलगांव और PO साहब कहलगांव को दिया। PO साहब इससे अनजान बने रहे, वो कहे कि हमारा कोई योजना नहीं चल रहा है, जबकि मैंने उन्हें कहा कि ID बता रहा हूँ सर, वहाँ योजना आपका ऑनगोइंग है और वहाँ से पैसा निकासी हुई है और अभी JCB चल रहा है। मुजफ्फरपुर में मिलन समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस क्रम में समारोह में शामिल होने के लिए लोगों को अपने समर्थकों के साथ भारी संख्या में शामिल होने का न्योता दिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोतिहारी में पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि चोरी की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। इनके पास से कीमती सामान भी बरामद किया गया है। शंकरसरिया रोड के पास 3 अपराधकर्मी सक्रिय हैं। आने जाने वाले वाहनों को रोककर यात्रियों से छीन झपट की घटना अंजाम दे रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही SDPO सदर श्री अरुण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें SHO कोटवा,
सब इंस्पेक्टर अनुज कुमार सिंह, जीएसआई कोटवा, सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार, थाना प्रभारी ओपी प्रभारी रघुनाथपुर, सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार और तकनीक चक्र प्रभारी मनीष कुमार, ये इस टीम में थे। तो इस टीम ने फिर तीन अपराधियों को पकड़ा है, सूरज कुमार साहनी। मोतिहारी में पुलिस सप्ताह दिवस का आगाज हुआ। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक की जन सहभागिता से मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य जिले के प्रत्येक थानों को गांव-गांव में जाकर जनता और पुलिस के बीच के संबंध को मजबूत बनाना है। और इस संबंध में पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के आलोक में मोटरसाइकिल जनसंवाद रैली का उद्घाटन हुआ है। मुख्यालय स्तर पर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा हुआ है और जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया है। और इसमें प्रत्येक थाना के प्रत्येक गांव को विजिट करने की जो बात की जा रही है, और मोटरसाइकिल के माध्यम से हमारे पदाधिकारी और पुलिसकर्मी जाएंगे। हर वार्ड में पुलिस की टीम जाए और इसको जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का नाम दिया गया है, तो लोगों से ये इंटरेक्ट करेगा, उनसे बातचीत करेगा। गाँव में जो अपराध है, विधि अपराध की समस्या हो, विधि व्यवस्था की समस्या हो, या फिर जिस तरह की भी समस्या हो, उसकी जानकारी तो मिले ही, लोगों को सजग भी करें कि आप इस तरह के अपराध से कैसे बचा जाए। तो बेसिक पर्पस यही है कि, और इसमें जो नए एज के नवयुवक हैं, जो उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश होगी कि वो आएँ और हम लोगों की मदद करें, उनसे हम लोग उनसे इंटरेक्शन बढ़ाएंगे ताकि वो सही रास्ते पर भी रहें और हमारा सहयोग भी करें और प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। इसके अलावा अभी हम लोगों के थानों में महिला हेल्प डेस्क भी शुरू होने जा रहे हैं, वो भी 26 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जिसमें हर थाने में अभी फर्स्ट फेज में हम लोग 19 में इसको करने जा रहे हैं। और महिला पदाधिकारी रहेंगे और महिला कर्मी भी रहेंगी, और थानों में जो भी महिलाएँ आ रही हैं और उनकी जो समस्याएं हैं स्पेशली पारिवारिक विवादों से संबंधित, उसके बारे में वो लोग काउंसलिंग भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं को हम लोग जल्दी से जल्दी निदान कर पाएँ। कार्यक्रमों का मुख्य केंद्र बिंदु जनता है, आम जन है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को बिहार पुलिस दिवस उत्साह तथा गर्व के साथ आयोजित किया जाता रहा है। इस वर्ष बिहार पुलिस दिवस 2023 को आम जन के नाम समर्पित किया गया है और इसका मुख्य नारा है जन जन की ओर बढ़ते कदम। इस क्रम में आम जन से संपर्क स्थापित करना, उनसे संवाद स्थापित करना, उनकी समस्याओं को जानने के लिए, पुलिस के प्रति उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको समझने के लिए। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।